ये भाई हम लोग है ओल्ड मनाली के रास्ते में और ब्लैक आइस देखिए कैसी जमी है यहाँ पे। ये देखिए भाई, ये तो अपनी गाड़ी निकली शूटिंग की भाई। अरे 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 वापिस गई 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 गई। ओ भाई ये देखिए भाई, कुछ इस तरह की स्नो पड़ी है यहाँ पे। अरे बाप रे भाई, 100 रुपए में यहाँ देखिए, 100 रुपए में सामान। तो लीजिए भाई, आ चुके एक नए ब्लॉग के साथ और सुबह के बज चुके हैं 8:30। तो देखिए रूम सारा बिखरा पड़ा है अच्छा खासा। तो हेलो जी, वेलकम बैक अगेन द चैनल। हम लोग फिर से आ चुके हैं एक नए ब्लॉग के साथ। पिछले कल रात को हो रही थी अच्छी खासी स्नोफॉल, अभी दिखाते हैं अभी का माहौल क्या हो रखा है। तो पहले सीधे बाहर चलते हैं। ओ भाई, तो ये चेकआउट करें भाई, मनाली में अच्छी खासी स्नोफॉल हुई है रात को और देखिए पेड़ पूरे लद चुके अपने स्नो से। तो आज भी अपना सीन है, आज भी हम लोग जाने वाले हैं जहाँ अपने शूटिंग का काम चला है, हम लोग वहीं पे जाने वाले अपने वेब सीरीज शूटिंग का। आज डे 2 है लेकिन जहाँ पे शूट चला है आज हम लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे, क्योंकि आज हम लोग फिर से उसी लोकेशन पे जाने वाले हैं जहाँ पे पिछले कल अच्छी खासी स्नोफॉल हो रही थी और बाकी लोग सुबह ही 3 बजे उठ के निकल चुके हैं और अभी बज चुके 7 या 8 बज चुके। हम लोग अभी उठे, नहाए धोए, रेडी हुए और उसके बाद अभी बस गाड़ी जैसे आती है निकलेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और सारा सीन दिखाएंगे। तो देखिए भाई, बाहर निकलते कुछ इस तरह का माहौल है सामने का। भाई पूरा एरिया भर चुका है स्नो से। यहाँ पे देखिए गाड़ियों पे क्या स्नो पड़ी और जमी हुई देखिए, हाय 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 हाय, एक अलग ही माहौल भाई। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी भाई साहब। तो चलिए भाई, हमको टाइम था, अपनी गाड़ी लेट आएगी तो हमने सोचा ब्रेकफास्ट कर लेते। ये है लेमन हनी जिंजर टी और ये थोड़ा सा दही और ये आ चुके अपने पराठे आलू और प्याज के। भाई सही है, यहाँ पे वेट करने से अच्छा है कि आप फटाफट से ऑर्डर करो और मस्त वाला खाना खा लो। अरे भाई एकदम ऑसम, सुपर से भी ऊपर वाला टेस्ट है। बट मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, जो हमारी घर की दही होती है वो थोड़ी अलग सी होती है, ये बिल्कुल क्रीम की तरह क्यों है? कुछ तो भंडा है भाई, मतलब ये लोग कुछ ग्राइंड करते कुछ करते, आई डोंट नो, बट करते ब्रेकफास्ट, मिलते हैं उसके बाद। तो चलिए भाई, हम लोग है ओल्ड मनाली के रास्ते में और ब्लैक आइस देखिए कैसी जमी है यहाँ पे। भाई पूरा रास्ता ना ऐसा स्लिपरी हो रखा है ब्लैक आइस की वजह से, अपनी गाड़ी पीछे फंसी है और आगे देखिए एक इनोवा फंस चुकी है, ऐसी स्किट कर रही है। भाई साहब एक अलग ही माहौल और यहाँ का नज़ारा देखिए, ओ मेरे भाई अलग ही नज़ारा। स्नो से लदे पेड़ देखिए क्या लग रहे हैं भाई, ऑसम। ये देखिए भाई इनोवा फंस चुके है, क्या ब्लैक आइस है देखिए यहाँ पे, ओ मेरे भाई टाइम लगने वाला है। और ये चेकआउट करें भाई, स्नो से भरे पेड़, स्नो से लदे पेड़ भाई, हाय हाय अलग ही माहौल अलग ही। ये चल पड़ी चल पड़ी चल पड़ी, निकल गए भाई निकल गई भाई। ये देखिए भाई, ये तो अपनी गाड़ी निकली शूटिंग की भाई। हाँ ब्लैक आइस में गाड़ी आती हुई एक और निकल गए निकल गए, वाह भाई निकल गए निकल गए, एक और आ गई भाई भाई स्किट कर दिया, निकल गए निकल गए निकल गए भाई, लॉर्ड ऑल्टो आ गई भाई। ओ भाई लॉर्ड ऑल्टो निकलती है सीधे ही भाई, इसको बोलते हैं लॉर्ड ऑल्टो, लॉर्ड ऑल्टो। ये अपनी शूटिंग वाली गाड़ी आ गई, ये चलो 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 भाई, ओ भाई चलिए और गाड़ी आ गई। ओ वाह वाह नाइस यार, नाइस निकल गई इस गिन के पीछे। लॉर्ड ऑल्टो
अरे 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 वापिस गई 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 भाई भाई स्किट करिए ओ ओ गए 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 भाई बैक करके लाओ ना। ओ गई 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 भाई गाड़ी गई 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 भाई लॉर्ड ऑटो भी गई। एक तो अरे बैक ही करना पड़ना, अभी मिट्टी डाल रहे देखिए कौन। हाँ वो एकदम से आ गया ना। चलिए भाई निकल गए निकल गए। चलिए भाई निकल गए। तो देखिए यहाँ पे मिट्टी डाल रहे भाई, अब देखो कैसे चढ़ेगी। अब भी मत लाओ ना, पहले निकलने दो, बचेगी गाड़ियाँ। लॉर्ड ऑल्टो आ गई, लॉर्ड ऑल्टो। अभी देखिए, अरे बाइक वाले भैया चढ़ गया भाई। ये चलो चलो निकल गए भाई। ऑटो आया देखो, ये भाई ऑटो तो चढ़ गया आराम से। ये वाह भाई, अरे भाई जल्दी आ जाओ, साइड जाओ, स्किट करेंगे। चलिए अपनी गाड़ी आ रही फिर से, ये देखिए। हाँ ये देखिए, ओ भाई वाह भाई वाह वाह वाह, आराम से चढ़ गए आराम से। ये देखिए भाई, कुछ इस तरह की स्नो पड़ी है यहाँ पे। अरे बाप रे, क्या बर्फ पड़ी है देखिए। सही मॉल रखा है भाई। सामने देखिए भाई ओल्ड मनाली का नजारा, पूरा ओल्ड मनाली अपने स्नो से भर चुका है देखिए। एक अलग ही वाह, क्या व्यू आ रहा है। तो चलिए भाई अंदर आ चुके हैं अपने रूम में। हियर इज द अपना रूम, सेक्सी सा रूम। तो थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करते हैं, अभी हम लोग उठेंगे लगभग 1 से 2 घंटे बाद, और उसके बाद जाने वाले मॉल रोड मनाली एक बार फिर से शॉपिंग करने। अब क्या शॉपिंग करेंगे वो दिखाएंगे वहीं पे। तो भाई हम लोग उठ चुके हैं 2 घंटे बाद, अभी मस्त वाला धूप का मज़ा ले रहे हैं। जैसे फेस पे धूप पड़ती है ना, आय हाय चुमेश्वर मज़ा भाई। देखिए भाई मस्त वाली धूप निकली हुई है भाई, एकदम से मज़ा आ रहा है। लेकिन साइड वाले देखिए, आसमान में धीरे धीरे करके बादल आना स्टार्ट हो गए। ऐसा लग रहा है आज भी स्नोफॉल होगा, स्नोफॉल होगी तो दिखाएंगे आपको। तो चलिए भाई निकल रहे हैं मॉल रोड मनाली के लिए। फिलहाल देखिए मौसम पूरा पैक हो रखा है, मुझे लग रहा है 4 या 5 बजे तक फिर से एक बार स्नोफॉल होने वाली है। अगर स्नोफॉल होगी तो दिखाएंगे, वरना तो भाई सीधे रूम जाएंगे। तो अभी जा रहे हैं मॉल रोड मनाली, क्योंकि भाई सब लग चुका है आगे जाम, और हम लोग फंस चुके हैं बीच में। अब पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है। तो देखिए बिल्कुल गाड़ी आमने सामने हो रखी, और साइड में अच्छी खासी गाड़ी लगी है भाई। 10 मिनट का काम था, 10 मिनट के काम के चक्कर में दिन यही खत्म। तो चलिए भाई मॉल रोड मनाली पहुंचे थे हम लोग, हेरिता मॉल रोड मनाली, और यहाँ पे लगी है संडे मार्केट आज। तो देखिए सस्ते सस्ते कपड़े थोड़ी देर देख लेते हैं, क्योंकि काम तो है ही, साथ में कपड़े भी देख लेते हैं भाई। ओ भाई 300 में जैकेट बेच रहे हैं भाई, 100 रुपये में। यहाँ देखिए 100 रुपये में सामान मिल रहे हैं। सही सीन है भाई, सही जगह पहुँच चुके हैं हम लोग। तो चलिए भाई वहाँ से निकल चुके हैं, 100 रुपये से स्टार्ट है कपड़े, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि वहाँ पर बैठे, और हम लोग पहुँच चुके हैं मॉल रोड मनाली। तो चलिए सबसे पहले काम ख़त्म करते हैं, क्या लेते हैं उसके बाद बताते हैं आपको। तो चलिए भाई वापस आ चुके हैं हम लोग गाड़ी में। एक्चुअली हम लोग लेने गए थे लेसेस, देखिए
मेरे शूज की लेसेस ना बिल्कुल यहाँ से टूट चुके हैं, अभी दिख नहीं रहा है, अभी ऊपर जाके दिखाते हैं, हल्का सा क्रैक बच चुका है और वो कभी भी टूट सकता है। ये देखिए भाई, मैं दिखा रहा था मेरे लेसेस यहाँ से बिल्कुल क्रैक हो रखा है, देखिए बिल्कुल छोटा सा पोर्शन बचा है, कभी भी टूट सकता है ये, तो कभी भी टूट सकता है, तो मैंने सोचा कि जुगाड़ पहले ही कर लेते। तो हम लोग आ चुके लेसेस लेके, तो चलिए एक बार फिर से पहुंच चुके रूम, अभी फिर से रेस्ट करते एक दो घंटे, सो जाते हैं, फिर मिलते हैं दो घंटे बाद। तो चलिए भाई, अभी पहुंच चुके हम लोग जंगल के अंदर, रात के बज चुके हैं 8, कल अपना शूट जंगल के अंदर है, तो अभी सेटअप चला हुआ है, वहाँ पर काम कर रहे हैं सारे शूट वाले, क्योंकि सुबह शूट है सुबह 5 बजे से, तो मैं भी जा रहा हूँ अंदर, और यहाँ पे लगभग 10 बजे तक काम चलने वाला है, और उसके बाद जाएंगे हम लोग होटल में। तो चलिए भाई, हम लोग पहुँच चुके हैं रूम, मैं अकेला आया हूँ रूम, क्योंकि बाकी सब है शूटिंग में, हम लोग गए थे सेटिंग में जहाँ की शूटिंग की पूरी लोकेशन की प्रिपरेशन हो रही थी, और कल से होने वाला है अपना शूट जंगल के अंदर, तो अभी सारा सेटअप चला था, हम लोग वहाँ पर भी गए, रात के 9:30 बज चुके हैं, मतलब मुझे लगा था 10-11 बजेंगे, लेकिन 9:30 बजे मैं रूम पहुंच गया, और अभी तक अपने रूममेट्स पहुंचे नहीं है, पता नहीं कब पहुंचेंगे, डिनर आया होगा तो डिनर करते हैं, उसके बाद मस्त वाला सो जाते हैं। तो सभी लोग जाएंगे फिर से 3 से 4 बजे उठ के, और हम लोग जाएंगे सुबह 8 या 9 बजे उठ के, क्योंकि हमें फिर से सेटिंग पे जाना है, जो कि हम लोग बहुत ही अच्छी लोकेशन प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए अभी चलते हैं, डिनर करते हैं, मिलते हैं उसके बाद जाके। तो लीजिए भाई, आ चुका है अपना डिनर हम दोनों का, मैं और दिल्ला भाई, बस हम दोनों यहाँ पे, और यहाँ पे पता नहीं क्या खेला है। अरे तो देखिए यहाँ पे है दाल चावल, यहाँ पर भी चावल, यहाँ पे मिक्स वेज, और यहाँ पे भी है आलू की सब्जी भाई। तो चलिए फटाफट से करते हैं डिनर, मिलते हैं उसके बाद सीधे। तो चलिए भाई, डिनर करके ख़त्म हो चुका है, अभी फटाफट से सो जाते हैं, बहुत नींद आ रही है, आंखें ना खुद ऐसे बंद हो रही है। तो फिलहाल इस ब्लॉग का यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट पब्लिक।